हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ममाअर्थ के एक प्रोडक्ट का रिव्यू, जो कि है उनका उपटन फेस वॉश। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि कैसा है ये प्रोडक्ट या इसके बारे में सभी बातें, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आप मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहूंगी। सबसे पहली बात यह है कि आज की वीडियो में मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट को अच्छे से ट्राई किया है, टेस्ट किया है, यूज किया है, उसके बाद ही ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। दूसरी बात यह है कि किसी भी न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट को अपने फुल फेस पे या फुल बॉडी पे अप्लाई करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें, जिससे कि ये चीज क्लियर हो जाए कि प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए सूटेबल है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहती हैं तो आप इसे कहीं से भी इजीली बाय कर सकते हैं, क्योंकि ममाअर्थ के सारे ही प्रोडक्ट हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे इजीली अवेलेबल हैं। आप इन्हें स्मिटन से बाय कर सकती हैं, पर्पल से, नायका से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, या फिर ममाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकती हैं। ये हर जगह पे इजीली अवेलेबल है। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट के प्राइस और इसकी पैकेजिंग की। तो ये कुछ इस तरह की आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आते हैं, जिसपे प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि प्राइस, एक्सपायरी डेट, इंग्रीडियंट लिस्ट, यूज कैसे करना है, बेनिफिट्स क्या हैं, सारी डिटेल्स पैकेजिंग पे मेंशन की गई है। और ये है इसकी इनर पैकेजिंग, जो कि प्लास्टिक ट्यूब पैक है, यूज करने के लिए भी हैंडी है, हाइजीनिक है और ट्रेवलिंग के लिए भी परफेक्ट है। फिलहाल अभी हम ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी ट्रेवलिंग के लिए भी परफेक्ट है। इसमें बड़ा साइज भी आता है, रेगुलर साइज भी। अगर आप चाहें तो आप उसे बाय कर सकते हैं, या फिर आप ट्राई करना चाहती हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप छोटा साइज पहले बाय करिए, ट्राई कर लीजिए। अगर प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए सूटेबल होता है तो आप उसका रेगुलर साइज बाय कर सकती हैं। वैसे ये मैंने स्मिटन ऐप से बाय किया था, तो वहां पे आपको छोटा साइज, जो मिनी साइज है, वो इजीली मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस और अदर डिटेल्स की। तो इसका प्राइस है 99 रुपीज, जिसमें कि आपको 25 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ 24 मंथ है। ये प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज कर सकती हैं। ये प्रोडक्ट 100% पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है और क्रुएल्टी फ्री है। साथ ही साथ ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, तो आप इस प्रोडक्ट को इजीली यूज कर सकती हैं। ये आपकी स्किन के लिए 100% सेफ है। अदर डिटेल्स जो हैं वो भी पैकेजिंग पे मेंशन की गई हैं, जैसे इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले हैं। कुछ इंग्रेडिएंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। तो इसमें आपको मिल जाता है ग्लिसरीन, कोकोनट ऑयल, वॉलनट बीट्स, सेफ्रॉन एक्सट्रैक्ट, नाइसिनामाइड और कैरेट सीड ऑयल, विटामिन ई, टर्मरिक पाउडर, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज ऑयल। तो ऐसे इसमें कई सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और वैसे तो इसमें उपटन मेंशन किया गया है, बट इसमें कहीं पे भी ग्राम फ्लोर या फिर चिकपी फ्लोर, मतलब बेसन, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। यही पॉइंट है कि मुझे ये फेस वॉश काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, जिसकी वजह से मैंने इसे बाय किया, क्योंकि इसकी पैकेजिंग पे कहीं पे भी बेसन मेंशन नहीं किया गया इस प्रोडक्ट को यूज़ करने की। तो वैसे ये फेस वॉश है, तो आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इजीली यूज़ कर सकती हैं, जैसे भी आप चाहें। बट एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि इस प्रोडक्ट में वॉलनट बीट्स यानी कि स्क्रब के पार्टिकल्स भी हैं, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। मैं इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो आपको दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह का येलो टिंट पे है, और अगर आप इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखें, ये देखिए, तो इसमें आपको स्क्रब के पार्टिकल्स दिखते हैं बिल्कुल क्लियर। मतलब आप ये समझ सकती हैं कि ये स्क्रब और फेस वॉश का मिक्सचर है, बट इसमें स्क्रब के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हैं। तो जब भी आप इस स्क्रब को यूज़ करेंगी, सॉरी, इस फेस वॉश को यूज़ करेंगी, तो हर बार आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट भी करेंगी। इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, इसलिए एवरीडे के लिए तो मैं इसे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, वीक में 2 से 3 बार के लिए या 4 बार के लिए आप इस फेस वॉश को ईजिली यूज़ कर सकती हैं।
यहाँ पे मैं एक पॉइंट और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है, बहुत सारे लोगों को एवरीडे स्क्रब यूज करना अच्छा लगता है और बहुत सारे लोग स्क्रब यूज करते भी हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि बहुत सारे स्क्रब ऐसे आते हैं जिन्हें आप डेली यूज कर सकती हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जिन्हें डेली अपनी स्किन को हल्का सा एक्सफोलिएट करना पसंद है कि जो भी डेड स्किन सेल्स हो, एक दो ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो, वो निकल जाएं, तो उनके लिए ये फेस वॉश बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इसे इजीली यूज़ कर सकती हैं। वैसे इस फेस वॉश को लाइक करने का मेन रीज़न ये भी है कि इसमें मुझे ना तो बेसन की स्मेल आती है, ना तो इसमें कहीं पे भी बेसन मेंशन किया गया है, और यही रीज़न है कि मुझे ये फेस वॉश बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और मैं इसे रेगुलर यूज़ भी करती हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, क्योंकि इसमें स्क्रब के पार्टिकल्स हैं तो मैंने इसे एवरीडे यूज़ नहीं किया है, वीक में 3 से 4 दिन यूज़ किया है, तो मुझे ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा लगा है। बट अगर आप इसे डेली यूज़ करना चाहें तो डेली यूज़ कर सकती हैं। ये आपके फेस को हल्का हल्का एक्सफोलिएट भी कर देगा और आपकी स्किन जो है वो हर यूज़ के बाद सॉफ्ट और स्मूथ भी फील होगी। तो हमने इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देख ली कि प्रोडक्ट कैसा है, इसे यूज़ कैसे करना है या किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके वर्क आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी बात कर लें कि इस प्रोडक्ट में क्या प्लस पॉइंट्स हैं और क्या माइनस पॉइंट हैं। स्टार्ट करेंगे माइनस पॉइंट से। वैसे तो ये माइनस पॉइंट नहीं है, बट मुझे ये पॉइंट इस वीडियो में इंक्लूड करना है। वैसे तो ये फेस वॉश है, बट इसमें फिर भी स्क्रब के पार्टिकल्स ऐड किए गए हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद है, बट मुझे ये थोड़ा सा उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं रेगुलर या एवरीडे स्क्रब यूज़ नहीं करती हूँ। तो अगर इसमें स्क्रब के पार्टिकल्स ना होते तो मुझे ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा पसंद आता। तो ये छोटा सा इसमें माइनस पॉइंट है, बट अगर आपको ऐसा फेस वॉश पसंद है जिसमें स्क्रब के पार्टिकल्स हों, आपकी स्किन को वो हल्का सा एक्सफोलिएट भी कर दे, तो आपके लिए तो ये प्लस पॉइंट है, आपके लिए तो ये माइनस पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। अब बारी आती है इसके प्लस पॉइंट्स की। प्लस पॉइंट यही है कि फेस वॉश बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सबसे पहला प्लस पॉइंट यह है कि ये उपटन फेस वॉश है, बट इसमें कहीं पे भी ना तो बेसन मेंशन किया गया है और ना ही मुझे फील हुआ है कि इसमें बेसन है, ना स्मेल में ना प्रोडक्ट की क्वालिटी में। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। दूसरा प्लस पॉइंट यह है कि हर यूज के बाद जब भी आप इस फेस वॉश को अपने फेस पे अप्लाई करेंगी, ये आपकी स्किन को इंस्टेंट ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है और स्किन जो है वो सुपर स्मूथ हो जाती है, जो कि फील करने में काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे अगर मैं अपने दोनों हैंड साइड बाय साइड देखूं तो मुझे ये वाला हाथ जो है लेफ्ट हैंड काफ़ी ब्राइट दिख रहा है फेस वॉश यूज़ करने के बाद। तो हर यूज़ के बाद आपकी स्किन जो है वो ब्राइट हो जाएगी। तीसरा पॉइंट ये है कि ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करेगा, तो आप इस फेस वॉश को विंटर में भी बेफिक्र यूज़ कर सकती हैं अगर आपकी स्किन ड्राई है तब भी, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है उसमें क्रीम काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है, मतलब कि ग्लिसरीन जो है वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है, तो आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करेगा। बट ऑयली स्किन वाले ये मत समझिएगा कि उनकी स्किन के लिए ये सूटेबल नहीं होगा, ये हर स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपकी स्किन पे टैन है तो टैन को रिमूव करने के लिए ये फेस वॉश बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें केसर है, चंदन है और साथ ही साथ इसमें आपको टर्मरिक ऑयल भी मिल जाता है, तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये आपकी स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट भी देता है। बहुत अच्छा फेस वॉश है, अफोर्डेबल है। पहले आप छोटा साइज बाई करिए, ट्राई कर लीजिए, अगर आपको भी ये प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा पसंद, आप इसका रेगुलर साइज जरूर बाई करिएगा, आपको ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर फाइनल वर्ड की बात करूँ तो फाइनल वर्ड यही है कि प्रोडक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ममा अर्थ का मैंने उपटन फेस पैक भी ट्राई किया था और उसके रिव्यू वीडियो में मैंने बहुत क्लियर मेंशन किया था, क्योंकि उसमें बेसन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, ऐसा स्मेल करने में भी और प्रोडक्ट को टच करने में भी, और यही रीज़न है कि मुझे वो प्रोडक्ट उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि बेसन मेरी स्किन के लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा है। जब भी मैं बेसन यूज़ करती हूँ मेरे फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं, बट इस
प्रोडक्ट को बाय करने से पहले और ट्राई करने से पहले भी मैं थोड़ा सा डाउट में थी कि शायद ये प्रोडक्ट भी वैसा ही हो, क्योंकि दोनों एक ही रेंज से आते हैं। बट फाइनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये फेस वॉश और वो फेस पैक दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। तो मैं आपको भी रिकमेंड कर सकती हूँ कि अगर आप ट्राई करना चाहती हैं तो आप इस प्रोडक्ट को ईजिली ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मामाअर्थ के प्रोडक्ट ट्राई करिए। तो फाइनली मैंने ट्राई कर लिया है, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा है। अगर आप ट्राई करना चाहें, यूज़ करना चाहें, बाय करना चाहें तो आप बेफिक्र होकर बाय कर सकते हैं। सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे आप इसे लोकल मार्केट से भी मिल जाए बाय कर सकते हैं, क्योंकि मामाअर्थ काफ़ी अच्छे तरीके से आपको हर जगह मिल जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया मामाअर्थ के उपटन फेस वॉश का रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप में से कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट को ट्राई किया है, आपका रिजल्ट क्या रहा है, वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।